पहले एक पैन लेना है अच्छा गोरा गोरा हे गाइज वेलकम टू माई चैनल भारतीय लाइफ स्टाइल विथ कुकिंग। तो अभी दिवाली आने वाली है और मैं हूँ मायके में, आप सबको पता है। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग को डिनर मेरी मम्मी बनाती है, बट हम लोग को आज पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। स्पेशली मेरे भाई ने बोला कि चलो पाव भाजी बना दो आज। सो आज हम दोनों सिस्टर मिलकर पाव भाजी बनाने वाले हैं। और जब भी हम दोनों कुछ भी काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारनामा हो ही जाता है। तो आज हम दोनों किचन में पाव भाजी बनाने वाले, तो समझो आज क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। तो वैसे तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप सबको पता है। तो चलिए पाव भाजी की रेसिपी देखते हैं और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनाने वाले हैं हम लोग पाव भाजी। सो गाइस चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनने वाले हैं। हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। मैं नहीं, मिलके बनाएंगे, जो भी करेंगे वो मिलके करेंगे जी। तो हम लोग ने यहाँ पे पाव भाजी के लिए ये ऑनियंस, मैंने छोटे छोटे ऑनियंस कट कर लिया है, मैंने कट किया है। किसने? मैंने कट किया है, बस इसने कट ही किया है। और रेसिपी जो है मैं ही बनाने वाली हूँ। मैं इसको मतलब सजेस्ट करती जाऊँगी कैसे बनाना है, रेसिपी बताते जाऊँगी, बस वो चम्मच हिलाएगी, बस यही काम करना है इसको। तो मैं जाके खाऊंगी। अच्छा, बस इसको खाना आता है और कुछ नहीं आता, सब बना लेती हूँ। छोटे प्याज कट करके रख लेना है, अगर पैर दुखे तो ऐसे किचन पर बैठ जाना है। फिर टमाटर मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है, धनिया कट कर लेना है, और फूलगोभी, आलू, थोड़ा सा हल्दी, नमक और पाव भाजी मसाला, और पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालना है, डाल के उबाल के रखा है, 2 विजल आए तब तक। और इसमें हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है क्योंकि जब हम लोग ग्रेवी बनाएंगे उसमें फिर से हमें नमक ऐड करना होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डाले। ऑलरेडी उबाल के हम लोग ने रख लिया है। और यहाँ पे ऑनियंस, चीज़ है, चीज़ ऑप्शनली है, हमारे पास है तो हम लोग ऐड करेंगे। और ये टमाटर और धनिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है और ये शेफ बन चुकी है, मास्टर शेफ बन चुकी है। बट क्या बात कर रही है मुझे ना मैगी, पास्ता, मोमो, तो फिर ये जो चटपटा चीज है ना वो आता है, बाकी बाप रे ऑयल कितना डाली है, ज्यादा हो गया। ओह माय गॉड, ऐड कर चुके हैं 2 बड़े चम्मच। तो अब हम लोग डालेंगे गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें जो डाल रहे हैं वो दिखेगा नहीं, बट आपको मैं बताते जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यू नो ये ट्राइपॉड सेट नहीं हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे तेज पत्ता डालना है, ये मैं 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ। और ऑयल जो है बहुत ही गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं ऑनियंस बारीक कटे हुए। तो अब हम लोग ऑनियंस को गोल्डन ब्राउन आए तब तक इसको मतलब पका लेना है। तो यहाँ पे ऑनियंस गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम इसमें क्या डालने वाले हैं, 1 मिनट। तो ये तो ये वेट ही नहीं कर रही है, रुक। अभी ऑनियंस ब्राउन कलर आ चुका है, इसमें अब इसने हल्दी डाल दिया है 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे जो, तो इसमें जो कोमली कॉलीफ्लावर दिखा ले इनको। सो गाइस यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर मतलब बॉयल करके रखा हुआ, जो आपे जाके बैठना नहीं, तो वीडियो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत रो रहा है, तो मुझे इसको पकड़ना पड़ रहा है और घर में कोई नहीं है, मेरी मम्मी शॉप में है और ये मतलब ट्राई कर रही है पाव भाजी बनाने का। ट्राई नहीं कर रही, मैं बना रही हूं। अच्छा ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑनियंस ब्राउन हो चुका है और ये कॉलीफ्लावर और जो फूलगोभी और जो आलू था मैंने जो अभी बताया था उबाल के रखना है, तो उसको मैं मैश कर रही हूँ। उबालने के बाद मैश करने से थोड़ा ईजी हो जाता है, तो उबाल लीजिए पहले और वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप मैश कर सकते हो ईजिली। तो ये पाव भाजी बनाने का ईजी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे ऑनियन जो है वो ब्राउन भी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऑनियन ब्राउन हो चुका है, उसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं बारीक कटे हुए, तो टमाटर ऐड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा जल्दी पक जाता है, तो मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट।
और ये पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर अब हम लोग ढक्कन लगा के 2-3 मिनट इसको पकने देखते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा बातें मेरे सिस्टर से कर लेते हैं। क्या क्या आता है कोमल खाना बनाने में? आलस आता है, नींद आता है। ये रेसिपी के नाम है क्या? नहीं, किचन में क्या क्या आता है तो हाँ। किचन में चक्कर भी आता है। आपने वो वीडियो देखा होगा जो बहुत ही वायरल हुआ था बीच में। कौन सा? सास पूछती है बहू को कि बेटा किचन में क्या क्या आता है, तो बहू बोलती है आलस आता है, नींद आता है, चक्कर तो और भी आता है, तो मुझे ये सब आता है। अगर रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग्स मारे ना तो सास लात मार के भगा देगी। सो गाइस, यहाँ पे टमाटर जो है पक चुका है टमाटर। अब हम लोग को क्या करना है इसमें? आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डालना, जितना आप खाते हो उस हिसाब से आप डालना, पर स्पाइसी होगा तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो थोड़ा स्पाइसी बनाना। और हम इसमें कलर के लिए ना थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च यूज करेंगे। यहाँ पे पाव भाजी मसाला हमें 2 चम्मच जितना डालना है। वो भी आलू और मटर हो तो वो सब हम लोग ने उबाल के क्रश करके रेडी रखा है, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है पाव भाजी का। अगर आपको मतलब ढाबे स्टाइल या फिर स्ट्रीट फूड स्टाइल में अगर आपको भाजी चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हो, तो ढाबे स्टाइल आपका पाव भाजी दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे कलर ऐड कर रहे हैं कि नहीं? करना है तो कर सकते हैं। हाँ, कलर हमको कैसे ऐड करना है? डायरेक्टली कलर नहीं डालना है इसको, पहले हमें एक बॉल में थोड़ा सा वाटर लेके उसमें मिक्स करना है, उसके बाद वो वाटर हमें इसमें थोड़ा सा कलर डाल के इसको अच्छे से देखिए कितना मस्त कलर आया है, हमें डालना है। आप थोड़ा सा डाल देना, बाद में उसको मिक्स करके देखिए कि कितना कलर चाहिए। इसको थोड़ा सा पक रहे तो गाइस ये भाजी बन रहा है, बट इसमें ये थोड़ा सा तीख है, हमको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी होने से क्या होता है कि हम लोग जब डिप करके खाते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी यूज़ किया हुआ है। हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट ढक के स्लो फ्लेम पे। तो इसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बनाई है ये, क्योंकि इसको मैंने कोई भी क्वांटिटी नहीं बताई है कि मिर्ची कितना डालना है, नमक कितना डालना है, ये अपने हिसाब से डाली है। अरे तो राशी एडी नहीं एडी इसको रेसिपी आती है कि नहीं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें जो भी मिर्ची नमक डाली है ये मैं इसका क्वांटिटी नहीं बताई, खुद से डाली है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि इसने कैसा बनाया है। अच्छा ही बना है आई होप। एक मिनट का मैं अपना रिएक्शन कैप्चर करती हूँ। सो गाइज, मैं अभी बना नहीं है, जस्ट मैं टेस्ट कर रही हूँ। हाउ्स इट? ठीक ही बनाए, थोड़ा सा मतलब मिर्ची ज़्यादा हुआ है, बट नमक मत डाल। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग ने स्टार्टिंग में एकदम थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, मुझे याद है, तो अभी थोड़ा डाल देते हैं। नहीं नहीं, नमक बराबर है, नमक है ही नहीं उसमें। देखो मैं फिर से एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ। तू टेस्ट करिए, मुझे कैसे पता चलेगा? सही बात है, तू ही कर। थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। तो बता रही हूँ ना, हम दोनों जो भी बनाते हैं तो उसमें ना इधर का ना उधर का, कहावत है ना, ना घर का ना घाट का, तो ऐसे ही बन जाता है। वो थोड़ा पक गया है तो अभी हम इसमें से डेकोरेट के लिए धनिया ऐड करेंगे। ओनली नॉट फॉर ओनली डेकोरेट, टेस्ट भी इससे अच्छा आएगा। इसका कोई टेस्ट नहीं रहता है पत्ते वत्ते का। ओह माय गॉड, ये देखिए बन गया। मम्मी का कैसा बना भाजी? एकदम बढ़िया। सो गाइस, भाजी रेडी हो चुका है, इसमें बना रहे हैं, और अभी हम लोग पाव फ्राई करने वाले तवे पे। अगर आपके पास बटर हो तो अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पे मैं घर का बना हुआ होममेड घी यूज करने वाले हैं हम लोग। हमें इस तरह से पाव रख के इसको आप बीच में से ऐसे कट कर लेना है सारे पाव। सो फर्स्ट हमें पाव को इस तरह से बीच में कट करना है। ये देखिए कितना अच्छा कट हुआ है, ये देखिए मैंने कट किया है। अभी मैं मेरी सिस्टर का दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा, देखो कितना प्रोफेशनल मैंने कट किया है, और इसका देखो। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी मैं ये घी सब लगा के फ्राई करती हूँ, तब तक ये ऑनियंस थोड़ा सा कट करेगी, साइड में हम लोग खाएंगे। मेरा भाई का रिएक्शन देख लीजिए, चलो उसको कैसा लगा। साई 1 मिनट रुक जाओ। साई
भाजी कोमल ने बनाया है, तो खा के बता कैसे बनाई वो। बहुत मस्त, ऐसा लगा जैसे बाहर से मंगा के खाया। होपली बहुत ही अच्छा बना है। और कियांश का रिएक्शन अभी, कियांश खा के बताएगा कैसे बनाया था। बढ़िया बना, कैसा बना बता। अच्छा बना, टेस्टी टेस्टी। कोमल सिन्नी पास, कोमल सिन्नी पास हो गए। अभी कोमल खुद को ही पास करेगी, देखो। बहुत ही यम्मी बना है पाव भाजी, मस्त बना है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। और मेरा भी खुद का एक चैनल है, अब वहाँ पे विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके सब्सक्राइब कर। बहुत ही टेस्टी है, आप भी जरूर बना के खाइए। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।